अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पॉडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक। अल्लाह ताला आपको हमें अपने जमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मामा को आ रही है नींद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो सारे मेरे सामने बैठा हंस रहा है, तो कहता है मेरे साथ बातें कर रही है। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, नसरुल्लाह वीर के चचा जान आ गए और चची भी आ गई। और ये कैसे झिझक कैसे रहा है नसरुल्लाह के, जो खून के रिश्ते होते हैं चचा जान चची जान। बल्कि आपके अगर चचा है तो आपके बाप की खुशबू आती है उसमें से, क्योंकि हमारे जो चाचू है ना, तो जब हम उनको मिलते हैं ना, या पुफियाँ जो होती हैं आपकी, पुप्पो बाप की बहनें, उनको जब मिलते हैं तो आपको अपने बाप की खुशबू उसमें से आती है। जिस तरह खालाएँ कहते हैं ना, माँ ना सही तो मासी जैसी, वो एक पंजाबी वाले लोग कहते हैं माँ ना सुई तो मासी सुई, ऐसी बात नहीं। माँ ना सही तो मासी सही, कि अगर माँ नहीं है तो खाला ज़रूर उसमें जो आपको परछाई नज़र आएगी माँ की। तो मुझे समझ नहीं आई नसरुल्लाह भी तो ऐसे ही चचा जान से परेशान घबरा रहे हैं, और बिल्कुल जिस तरह नौकर नहीं होते इस तरह बेचारे लगे हुए हैं। तो मुझे तो लगता है इनके कुछ हवाएं भी उनको कहते ना पक्षियां चलती पई है। हाँ, और साथ बैठ के खाने वाला तो कोई सीन ही नहीं है। तो वो तो अच्छी बात है, जितना बड़ा वो घर बनवा रहे हैं या जितने वो रिच लग रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर भी अपनों का तो इस तरह नहीं बीच में कोई सीन होना चाहिए। तो मुझे तो परी की मामा लग रहा है कि जिस तरह कोई व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, तो नसरुल्लाह वीर को आया हुआ था एक कमेंट कि मुझे ऐसा एक चचा जान दे दे जो मुझे घर बनवा के दे। तो परी आपका क्या, परी की मामा आपका क्या है? मुझे भी ऐसा एक चचा और चाची दे दे जो मुझे भी बना दे, बंदे की परेशानियाँ दूर हो। सही बात है ना। देखें वाकई नसरुल्लाह वीर के पास तो इतने पैसे नहीं होंगे जो उसने बेचारे ने घर बनाया होगा, तो हो सकता है भी सकता है उनके पास हो, क्योंकि इनको चैनल चलाते हुए काफी टाइम हो गया, तो जमीनें इनकी अपनी होती हैं। सही बात है, मटेरियल ही लेना तो हो सकता है चाचा जान ने, थोड़ी इनकी जमीनें भी लेनी और मटेरियल भी लेना, तो हो सकता है चाचा जान ने लेके दे दिया होगा। तो जी उधर मुबारक हो आपको बहुत बहुत, हमें भी मिठाई खिलाए प्याज भाई, क्योंकि महविश की और अब्बास वीर की होगी सुलह, जो इतनी लड़ाइयाँ फड्डे चल रहे थे, इतने ड्रामे चल रहे थे, सुलह होगी आखिर को, क्योंकि जो वालदा होती है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। तो महविश की वालदा ने जूता उठा लिया और उसकी वो पिटाई की, धुलाई की, वीडियो में बता दिया कि हम तुझे मुंह भी नहीं लगाते कि तू अपने हस्बैंड की इज्जत नहीं करती, अपने ससुराल को जगह नहीं दे रही, काम नहीं कर रही, तो इसलिए बिल्कुल आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं। बाप ने भी यही कहा और भाई उस्मान ने भी यही कहा, वो तो इधर लड़के भी गया, क्योंकि वो लेके गया था ना जब बहन का घर ख़राब हो रहा था, तो जाहिर उस पर ज़्यादा ब्लेम हो रहा था कि ये पहले लेके गया है। तो फिर वो चाहे वो बच्चा था, आठवीं नौवीं क्लास का ही मुझे वो बच्चा लगता है, लेकिन फिर समझदार निकला उसने, फिर बहन की धुलाई, वीडियो में खूब जूते मारे। वैसे बड़ी बहन है, उसको क्या ऐसा कहना था, लेकिन काफ़ी उन्होंने ना डांट डपट की वालदैन के हाथों करवाई, थंबनेल बड़े गंदे गंदे लगाए। लेकिन अब होगी उनकी सुलह, और फियाद भाई इतना खुश हो रहे थे कि कह रहे थे चलो कि हम मिठाइयाँ, नमक पारे, शक्कर पारे, पता नहीं क्या क्या कुछ अपने सब्सक्राइबर जो हैं व्यूवर्स है उनके घर भेजते हैं। तो अल्लाह करे जी ये टॉपिक ख़त्म हो जाए और ये जो झूठी लड़ाइयाँ चल रही हैं ख़त्म हो जाए। और अब देखिए अब आसिया भाभी क्या करती हैं, पंजाबी वीर लोग क्या उंगलियों वाली लड़ाई चल। और जी सारी बातों के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है, जो कि इंसान को थोड़ी सी शर्म आती है बात करते हुए, तो वो सबके सामने बता रही है कि फाइनल डेट भी मिल गई है प्रेगनेंसी। ये हुमैरा ने लगाया हुआ था शायद कि किसके के पूरी इस वीडियो में देखे कि महविश का बेबी कब आएगा, तो पूरी प्रेगनेंसी की डिटेल इसमें। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे जी, माफ की बात है। तो बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर नहीं करता जो जी सारे को लग रही थी बहुत ज्यादा गर्मी, तो उसके बारे हाइनक उतार दी हुई है तो ना, तो बुनियान में इन्होंने जिस तरह वाइटी को अपना माँ बाप सारा कुछ समझ लिया और ओढ़ना बिछोड़ा बना लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदा कुछ तो अपनी प्राइवेसी रखता है, कुछ तो शर्म या की बात करता है। अब प्रेगनेंसी को लेकर अब 9 महीने इन्होंने इसी चीज़ को लेकर चलना है,
तो जी आखिर को हमें सारिम को पकड़ाना पड़ा छोटे बेटे को, कि मैंने कहा इसको थोड़ी देर ले जाओ, ये हमें बात ही नहीं करने देगा। क्योंकि मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरे हाथ से मोबाइल पकड़ के खुद बनाना चाह रहा था तो वही ना, तो अब देखें अब ये टॉपिक बेबी आने तक कितना चलता है और इसको कितना चलना चाहिए। तो देखिए व्यूवर्स भी इनको कमेंट करते हैं लेकिन इनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो अपनी डगर पर चलने वाले लोग हैं। कुछ है या शर्म की बातें बीच में रह लेने दिया करें, अपनी फैमिली की भी बातें। तो इन जब ये मैं विषय अपनी लड़ाइयों की बातें कर रही थी तो काफ़ी लोगों ने ना कमेंट किए हुए थे कि ये प्राइवेसी है, इसको अपनी प्राइवेसी को मत ख़राब करो। अल्लाह ताला माफ़ करे जी, लड़ाई झगड़े हर फैमिली हर ख़ानदान में होते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे जिन बच्चों के घर आबाद हुए, अल्लाह ताला ने शादो आबाद रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए। तो बस अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे कुल आलमीन के बच्चों को, हमें हमारे बच्चों को। तो इनको बस थोड़ी सी हदायत दे दे, ये जो इस तरह के थंबनेल लगा के ये प्रेगनेंसी हो गई, डेट कब होगी, बेबी कब होगा, और फिर ये कुछ लोग तो वो आपको पता है सबा अहमद वाले, उन्होंने तो पहले महीना ऐसे जलील किया था, बेबी हो गया, बेबी आ गया, हॉस्पिटल चले गए, बेबी का नाम रख लिया, ये और डॉक्टर्स ने कहा जब मतलब उनको दर्द शुरू हो जाएंगे ये तक बताया था, अस्तफर लेबर पेन का भी बता दिया कि जब स्टार्ट होंगे तो उनको लेके जाएंगे। तो क्या ये दुनिया किस किस साइड पर चलेगी, ये यकीन करें अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। बस तकलीफ ही होती है ऐसी चीज़ें देख के, अच्छा से अच्छी वीडियो बना ले इनको जिस तरह लोग देखते हैं। अगर आप तरीके का भी काम कर लो तो इसको भी आप लोग देखें, लोग आपको देखेंगे क्योंकि आपके एक नाम है। ज़रूरी है आपने 8-10 वीडियोस डालनी है। तो जी नई नई बातों के साथ, नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हमारी दुआओं में आप हर वक्त हमारे साथ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।